हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मिल्क पाउडर के पेड़े। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि मिल्क पाउडर के कितने अच्छे पेड़े हमारे बनकर के तैयार हैं, और ये खाने में बिल्कुल खोया मावा की तरह लगेंगे और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितने मुलायम मिल्क पाउडर के पेड़े हमारे बनकर के तैयार हैं। तो चलिए फ्रेंड, अपने ये पेड़े बनाना हम शुरू करते हैं। तो पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे चीनी, आधा कटोरी चीनी, और आधा ही कटोरी लेंगे हम दूध। तो दूध आपको मलाई के साथ लेना है। और यहाँ पर मैंने एक कटोरी लिया है मिल्क पाउडर और थोड़ा सा लिया है मैंने इलायची पाउडर। तो चलिए फ्रेंड, अपने पेड़ा बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रखेंगे कढ़ाई को गर्म होने के लिए, और अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। अब हम इसी में डाल देंगे अपनी चीनी। चीनी डाल के अच्छे से हम इसको घोलेंगे। तो लगातार चलाते हुए अच्छे से आप चीनी को घोल लें। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है। तो अब हम इनको अच्छे से पकाएंगे चीनी को, जिससे ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो आपको लगातार चलाते रहना है और इसको हल्का सा गाढ़ा होने तक दूध और चीनी को पकाना है। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि हल्का सा गाढ़ा हो गया है ये, और दूध और चीनी को मैंने अच्छे से पका लिया है। तो अब हम इसी में डालेंगे अपना मिल्क पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आपको एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के और अच्छे से मिल्क पाउडर को मैं इसमें मिलाऊंगी। तो बहुत ध्यान से आपको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और मिलाते जाना है। तो लगातार हिलाते हुए अच्छे से आप पाउडर को मिलाते जाइए। तो देखिए फ्रेंड, आपको इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है और डाल के अच्छे से मिलाना है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से मिल्क पाउडर डाल के और इसमें मिला लिया है। तो अब हम इसी में डाल देंगे अपना इलायची पाउडर, डाल के अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये बहुत गीला है, तो इसके पेड़े नहीं बनेंगे। तो इसीलिए हम इसको मीडियम गैस पे और लगातार हिलाते हुए चलाते हुए इसको हम पकाएंगे। तो लगातार आपको हिलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे कढ़ाई में लग जाएगा। तो हम इसको पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि हल्का सा गाढ़ा हो गया है, और अब इसके पेड़े बन जाएंगे। जब ये ठंडा होगा तो अपने आप से ये गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़े से पानी में डाल के और चेक करके देख सकते हैं कि अगर आपकी गोली सी बनने लगी है तो आपके पेड़े अच्छे से बन जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर अच्छे से तैयार हो गया है, और इतना ही आपको पकाना है। जब ये ठंडा होगा तो अपने आप से गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए, अब मैं गैस को बंद करूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रखूंगी। अच्छे से हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि ये ठंडा हो गया है, और ठंडा होने के बाद कितना गाढ़ा हो गया है और टाइट हो गया है एकदम से। इसी तरीके से आपको बनाना है। डाल लिया है, और रखने के बाद मैं हल्के से इसको मसल लूंगी, जिससे ये अच्छे से चिकना हो जाए और पेड़े हमारे आसानी से बन जाएंगे। तो हल्का सा मैं इसको मसल लूंगी मावा को। मसलने के बाद अब हम बनाएंगे इसके पेड़े। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आपको थोड़ा सा ले लेना है, और लेने के बाद अब मैं इसको गोल गोल बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो इसको गोल भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें बीच में उंगली से हल्का सा इसको दबा सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें हल्का सा दबा करके और पेड़ा अपना बना लिया है। तो अब मैं सभी ऐसे ही बना करके तैयार करूंगी। पेड़े का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर सारे पेड़े बना करके तैयार कर लिए हैं। सभी हमारे बन करके तैयार हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी मेवे। आप चाहें तो इसमें कोई भी मेवे डाल सकती हैं। तो मैं इसके ऊपर पिस्ता डालूंगी। पिस्ता डाल के मैं इसको तैयार करूंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सभी के ऊपर पिस्ता डाल दिया है,
पिस्ता डालने के बाद हमारे मिल्क पाउडर के पेड़े बिल्कुल बनकर के तैयार हैं। ये फ्रेंड आप देख सकती हैं कितने अच्छे बने हैं, तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं कितना मुलायम पेड़ा हमारा बनकर के तैयार है। आप भी फ्रेंड इनको ऐसे ही बनाइएगा। तो चलिए फ्रेंड, अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड, न्यू रेसिपी के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड।